राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में कुछ भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अनुपमा की जिंदगी में अब कौन सा नया बवाल होने वाला है। अनुपमा में एक तरफ तोशु का भांडाफोड़ होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अनुज के मन में भी अनुपमा को लेकर शक पैदा हो गया है। अनुज के मन में बार बार अनुपमा और वनराज की हस्ती खेलती फोटो सामने आ रही है। वह अनुपमा पर खींच जाता है और कहता है कि दूर रहो, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ जिसकी मदद की जाए। बेचारी अनुपमा को तो लगता है कि उससे कौन सी बड़ी गलती हो गई। इस झटके के बाद अब अनुपमा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि अनुपमा के सामने पारितोष की काली करतूत का भंडाफोड़ होने वाला है, जिसके बाद अनुपमा अपना आपा खोने वाली है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अक्षरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अक्षरा को ढूंढने के लिए अभिमन्यु माया का पीछा करता है और इसी वक्त अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो जाता है। अक्षरा को महसूस होता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। वो अभी को ऐसी हालत में देखकर बेहाल हो जाती है। डॉक्टर कुणाल उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ जड़ देती है। वैसे एक बात बताएं, इस डॉक्टर कुणाल ने जो काम किया है ना, उसे देखते हुए अक्षरा को बहुत पहले ही थप्पड़ जड़ देना चाहिए था। खैर देर सही, अक्षरा को अकल तो आई, लेकिन इसके बाद अभी अक्षरा को अस्पताल लेकर जाती है। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता के बीच डांस कंपटीशन होता है और अर्जुन सब कुछ भुलाकर प्रीता के प्यार में खो जाता है। प्रीता को भी महसूस होता है कि जैसे वो करण के साथ नाच रही है। दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर बेचारी अंजलि जल भून जाती है और अर्जुन पर गुस्सा भी करती है। अर्जुन अंजलि की जलन को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि अंजलि के मन में उसके लिए क्या है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काव्या के जन्म से जुड़ी जानकारी भी जुटा रहा है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी चुगलियां काफी, हम चलते हैं। लेकिन हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिएगा। राम राम।